हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में ये देखते हैं कि अगर ओपेम्प आइडियल ना हो, इसका मतलब कि ए वी का वैल्यू इन्फिनिटी ना दिया हो और उसमें कोई फीडबैक अप्लाई कर देते हैं, तब उसका ओवरऑल वोल्टेज गेन कितना होगा। तो पिछले वीडियो में हमने देख चुका था कि अगर सिग्नल को, वोल्टेज सिग्नल को अगर यहाँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाते हैं तो वोल्टेज गेन क्या आता है, और आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्ट ये पावर भी सिग्नल को अप्लाई करते हैं और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है और यहाँ भी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ V1 मानते हैं, यहाँ V2 मानते हैं और यहाँ हमें अप्लाई ये करना रहेगा कि वोल्टेज आउटपुट इक्वल्स टू ए इंटू V1 माइनस V2 जो शुरू से लगाते आ रहे हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ये रहेगा कि ये वोल्टेज गेन जो दिया हुआ है वो इन्फिनिटी नहीं है, वो नॉन आइडियल के केस में। ठीक है, तो इस केस में V1 इक्वल्स टू पता है कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ वोल्टेज 0 हो जाएगा, 0 वोल्ट। और V2 के लिए क्या होगा, V2 के लिए ये करते हैं कि यहाँ पे हम KCL रूल अप्लाई कर सकते हैं, KCL। ठीक है, तो यहाँ से KCL रूल अप्लाई करते हैं, KCL एट सेकेंड टर्मिनल टू मान लेते, इसको टर्मिनल वन टू, तो V2 माइनस VS डिवाइडेड बाय R प्लस V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से V2 को सॉल्व करते हैं, V2 निकालने के लिए V2 को इस साइड रखेंगे, बाकी टर्मिनल को उस साइड ले जाते हैं। ये टर्मिनल ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ से V2 का वैल्यू आ गया डिवाइडेड बाय R प्लस RF। ठीक है, अगेन अब ये अप्लाई करना रहेगा, इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए कि V0 इक्वल टू A इंटू V1 माइनस V2। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो V0 बाय VS निकालेंगे A R एंड RF के टर्मिनल RF के टर्म्स में, वो वोल्टेज गेन मिलेगा जो कि ओवरऑल वोल्टेज गेन रहेगा। ठीक है, तो ए भी जो ओवरऑल वोल्टेज गेन मानते हैं, इसके लिए काम करते हैं, ये अप्लाई करते हैं, V0 इक्वल्स टू A इंटू V0। V1 का वैल्यू 0 है, यहाँ से V1 इक्वल्स टू 0 और इसमें अप्लाई करते हैं V0 माइनस और V2 का वैल्यू है VS RF प्लस V0 R डिवाइडेड बाय R प्लस RF। AVS माइनस AVS RF डिवाइडेड बाय R प्लस RF माइनस AV0 R डिवाइडेड बाय R प्लस RF V0। और ये V0, यहाँ भी V0 है, यहाँ V0 है, V0 वाले टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, तो V0 इंटू 1 प्लस A R डिवाइडेड बाय R प्लस या V0 बाय VS। यहाँ से इस VS को इस साइड ले जाते हैं, तो V0 बाय VS ये हमारा ओवरऑल वोल्टेज गेन होगा जो कि ए के टर्म्स में है, और ये ए जो हम लोगों को दिया रहेगा कि किसी भी नॉन आइडियल ओपेम का जो भी दिया रहेगा 10^5 या 10^6 के रेंज में होता है जनरली, उसके टर्म्स निकालना। ठीक है, तो ए वी एस में भी एस हो गया माइनस RF ARF डिवाइडेड बाय R प्लस RF, और इस टर्म्स को इस साइड ले जाएंगे जो कि ऐड हो जाने के बाद
आर प्लस आर एफ हो जाएगा ऊपर नीचे यार, ठीक है। अब इसको आर एफ बाय आर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए, क्योंकि नन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो हम लोग वोल्टेज गेन निकालते थे फीडबैक लगाने के बाद, वो आर एफ बाय आर के टर्म्स में आया था, वो उसका वैल्यू होता हुआ था ए इक्वल्स टू माइनस आर एफ बाय आर। तो हमारा ये एफर्ट रहेगा कि इसको भी आर एफ बाय आर के टर्म्स में लिखे और ए रहे उसके साथ, ठीक है। यहाँ से ए और आर कॉमन ले लेते हैं, ए आर ऊपर भी कॉमन ले लिए, और इधर आर एफ बाय आर हो जाएगा, और इधर ए आर कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाय ए प्लस आर एफ बाय ए आर प्लस वन इक्वल्स टू ये आर कट जाएगा माइनस आर एफ बाय आर डिवाइडेड बाय वन प्लस आर एफ बाय आर डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का वोल्टेज गेन नए टर्म्स में जो आ गया है माइनस आर एफ बाई आर डिवाइडेड बाई वन प्लस आर एफ बाई आर डिवाइडेड बाई ए। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर जब ये आइडियल हो तो ए का वैल्यू उस समय इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी देख के चेक कर सकते हैं कि जो जनरल केस में पहले निकाले से माइनस आर एफ बाई आर के आर आया था वो आर आए कि नहीं। तो इन्फिनिटी इसमें पुट कीजिए आइडियल केस के लिए, ए बी इक्वल्स टू माइनस आर एफ बाई आर डिवाइडेड बाई वन प्लस, और ए जब इन्फिनिटी पुट होगा तो इस टोटल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये सिमिलर वैल्यू है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया है ये एक्सप्रेशन सही है नॉन आइडियल केस में। चलिए इस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए वोल्टेज गेन 10^3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लेते हैं कि वोल्टेज गेन 10^3 दिया है ओपन लूप में, ओपन लूप वोल्टेज गेन नॉन आइडियल ओप एम्प है, और कुछ वैल्यू अपने से एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1K है, ये 10K है, और इस केस में हम लोगों को वोल्टेज गेन मान रहा है कि ओवरऑल वोल्टेज गेन कितना है, ओवरऑल वोल्टेज गेन कितना है। तो इस केस के लिए हम वही करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं अभी जो निकाले हैं। यहाँ से वोल्टेज गेन ओवरऑल वोल्टेज गेन के लिए होगा माइनस आर एफ बाई आर डिवाइडेड बाई वन प्लस आर एफ बाई आर डिवाइडेड बाई, और यहाँ से देख के लग रहा है कि आर एफ इक्वल्स टू 10K दिया है, आर एफ वो होता है जो आउटपुट टर्मिनल या जीरो होगा वी नोट होगा आउटपुट टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड रहता है, 10K हो गया, और आर का वैल्यू 1K है, और ए का वैल्यू दिया हुआ है 1000। ओके, तो इसका वैल्यू निकालते हैं माइनस आर एफ 10K डिवाइडेड बाई 1K डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10K डिवाइडेड बाई 1K, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, ऊपर में वैल्यू आ गया माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 10 डिवाइडेड बाई इसका 1.011। और ये अप्रोक्सली 10 के इक्वल है, क्योंकि 10 को डिवाइड करते हैं 1.011 से, तो इससे थोड़ा कम आएगा, और आइडियली इसका वैल्यू कैलकुलेटर से निकालते हैं कितना आता है, 10 डिवाइडेड बाय 1.011 इक्वल्स टू 9.89 ओवरऑल वोल्टेज गेन।